सब्सक्राइब कीजिए नीचे दिए गए रेड बटन से और बाद में बेल आइकन दबाएं हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर ज्ञान पर। एक बार फिर हम लेकर आए हैं आपके लिए जिला परिषद की एक और बड़ी भर्ती की अपडेट लेकर। जी हाँ दोस्तों, जिला परिषद ने आंगनवाड़ी सुपरवाइजर, हेल्थ वर्कर और भी बहुत सारे पदों के लिए नोटिस जारी किया है, जिसके तहत वे 13,000 से ज़्यादा खाली पदों को भरने जा रहे हैं। सैलरी भी आपको यहाँ पर अच्छी खासी प्रोवाइड करा दी जाएगी। सभी मेल और फीमेल कैंडिडेट्स इस भर्ती पर लास्ट डेट से पहले पहले आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस भर्ती पर आवेदन करने के लिए क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, कितनी यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज है जिनके लिए आप आवेदन कर सकते हो, कितनी सैलरी आपको सक्सेसफुली रिक्रूट होने के बाद प्रोवाइड की जाएगी, क्या यहाँ पर आपका सिलेक्शन प्रोसीजर रहने वाला है जिसके तहत आपका चयन किया जाएगा, क्या डेट्स हैं जिनसे पहले पहले आप आवेदन कर सकते हो और कैसे आवेदन कर सकते हो, इन सब चीज़ों की पूरी जानकारी के लिए बने रहिए इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस भर्ती की पूरी जानकारी। जिला परिषद महाराष्ट्र के अंदर ये भर्ती निकली है, जहाँ पर पोस्ट के नाम है ड्रग प्रोडक्शन, हेल्थ सर्विस, आंगनवाड़ी सुपरवाइजर, एक्सटेंशन ऑफिसर, लेबोरेटरी इक्विपमेंट, कॉन्ट्रैक्ट ग्राम सेवक, सिविल इंजीनियरिंग असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट, जूनियर अकाउंट ऑफिसर। इन सभी पोस्ट के लिए यहाँ पर 13,521 खाली पद हैं, जिन पर आप लास्ट डेट से पहले पहले आवेदन कर सकते हो। डिस्ट्रिक्ट वाइज भी आप यहाँ से वैकेंसीज की डिटेल देख सकते हो, जैसे कि अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर 729 खाली पद है, अकोला डिस्ट्रिक्ट के अंदर 242 खाली पद है, अमरावती डिस्ट्रिक्ट के अंदर 463 खाली पद है और औरंगाबाद जिले के अंदर 362 खाली पद है, बीड के अंदर 456 खाली पद है, बांद्रा के अंदर 142 खाली पद है, चंद्रपुर के अंदर 323 खाली पद है, गढ़चिरौली जिले के अंदर 335 खाली पद है, गोंडिया जिले के अंदर 257 खाली पद है, हिंगोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर 150 खाली पद है, लातूर जिले के अंदर 286 खाली पद है, नंदुरबार के अंदर 333 खाली पद है और नासिक जिले के अंदर 687 खाली पद है, पलघर जिले के अंदर 708 खाली पद है, परभानी जिले के अंदर 259 खाली पद है, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर 510 खाली पद है, सतारा डिस्ट्रिक्ट के अंदर 708 खाली पद है, पुणे जिले के अंदर 595 खाली पद है, नागपुर के अंदर 418 खाली पद है, बुल्ढाना जिले के अंदर 332 खाली पद है, यावतमाल के अंदर 505 खाली पद है, वसीम डिस्ट्रिक्ट के अंदर 182 खाली पद है, जलाना जिले के अंदर 328 खाली पद है, ओस्मानाबाद जिले के अंदर 320 खाली पद है, नंदेद के अंदर 557 खाली पद है, थाने जिले के अंदर 196 खाली पद है, रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर 466 खाली पद है, सिंधु गुड्डर के अंदर 162 खाली पद है और वर्धा जिले के अंदर 267 खाली पद है, डूले जिले के अंदर 219 खाली पद है, जलगांव जिले के अंदर 607 खाली पद हैं, कोल्हापुर जिले के अंदर 532 खाली पद है, संगली जिले के अंदर 471 खाली पद है और सोलापुर जिले के अंदर 414 खाली पद है। तो टोटल इस प्रकार से यहाँ पर 13,521 खाली पद हैं, जिन पर आप लास्ट डेट से पहले पहले आवेदन कर सकते हो। बात अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जाए तो कैंडिडेट्स का यहाँ पर कम से कम 12वीं क्लास पास होना जरूरी है किसी वेल रिकग्नाइज बोर्ड या फिर स्कूल से, या फिर ग्रेजुएट डिग्री पास होना जरूरी है किसी वेल रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से। आयु सीमा की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कैंडिडेट्स की मिनिमम आयु सीमा 18 साल रखी गई है और मैक्सिमम 38 साल, जिसकी गणना 1 अप्रैल 2019 से की जाएगी। सैलरी आपको यहाँ पर रुपये 5,200 से 20,200 के बीच में प्रोवाइड करा दी जाएगी। एप्लीकेशन फीस आप यहाँ पर कैटेगरी वाइज जमा करा सकते हो, जैसे कि ओपन कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपये आवेदन शुल्क है, वहीं रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए केवल 250 रुपये आवेदन शुल्क है। ये आवेदन शुल्क आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के माध्यम से जमा करा सकते हो। सिलेक्शन यहाँ पर आपका रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आप रिटर्न टेस्ट में पार्टिसिपेट करोगे और जो कैंडिडेट्स रिटर्न टेस्ट को सक्सेसफुली क्वालिफाई कर लेंगे केवल उनको ही इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और जो कैंडिडेट्स इंटरव्यू में भी सक्सेसफुली क्वालिफाई कर लेंगे वो इस भर्ती प्रक्रिया के तहत इस ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूट हो जाएंगे। डेट्स की अगर इस भर्ती की बात की जाए तो आवेदन करने की स्टार्टिंग डेट 26 मार्च 2019 है। वहीं बात अगर लास्ट डेट की जाए तो इस भर्ती पर आवेदन करने की लास्ट डेट 16 अप्रैल 2019 है। जी हाँ दोस्तों, 16 अप्रैल 2019 के बाद आपके एप्लीकेशन फॉर्म इस भर्ती पर एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। अब हम आपको बता दें कि कैसे आप इस भर्ती पर आवेदन कर सकते हो।
तो सबसे पहले कैंडिडेट्स को जिला परिषद महाराष्ट्र की ऑफिशियल वेबसाइट को लॉग ऑन कर लेना है या फिर www.mahapariksha.gov.in इस वेबसाइट को लॉग ऑन कर लेना है। इस वेबसाइट को लॉग ऑन करने के बाद आपको इस भर्ती से रिलेटेड ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को ओपन करना है। ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को ओपन करने के बाद आपको पूरी डिटेल उसमें से रीड करनी है। पूरी डिटेल वन बाय वन केयरफुली रीड करने के बाद आप सिंपली इस भर्ती पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। इसके बाद भी दोस्तों, अगर आपको इस भर्ती के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आपको हमारी वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ पर जाकर आप डायरेक्टली इस भर्ती का ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट ओपन करके पूरी डिटेल उसमें से रीड कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ आपको वहीं पर अप्लाई ऑनलाइन का लिंक भी दिया गया है, जिसके माध्यम से आप लास्ट डेट से पहले पहले इस भर्ती पर आवेदन कर सकते हो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलना। साथ ही साथ दोस्तों, अगर अभी आपके मन में इस भर्ती से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप हमें कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। और अंत में दोस्तों, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम डेली बेसिस पे आपके लिए ऐसी ही बिग रिक्रूटमेंट के अपडेट्स अपने इस चैनल पर अपलोड करते हैं।